कोरिया जिला के चैनपुर के धान खरीदी केंद्र में कलेक्टर कोरिया श्री नरेंद्र दुग्गा के द्वारा औचक निरीक्षण करे गईस, जेन में 73 बोरी धान में मिलावट पाई गईस। देखो हमार रिपोर्ट। आज बिहनिया कोरिया जिला के कलेक्टर नरेंद्र दुग्गा ह जिला के मनेंद्रगढ़ ले लगे ग्राम चैनपुर के धान खरीदी केंद्र में अचानक निरीक्षण में पहुंच गईस, जेमा कोरिया कलेक्टर के द्वारा धान खरीदे प्रक्रिया अनुसार धान के गुणवत्ता और बिचौलिया मन के द्वारा धान के खरीदी में कोई भी प्रकार ले गड़बड़ी होए के स्थिति तो नहीं है। कलेक्टर दुग्गा बताइस कि धान खरीदी केंद्र में आए धान के गुणवत्ता और धान ला रिजेक्ट करीस, उन्हें 73 बोरी धान घलोक रिजेक्ट हुई से। तो हालांकि खरीदे का दिन नहीं है, परंतु हम लोग आकस्मिक रूप से निरीक्षण कर रहे हैं, देख रहे हैं कि धान खरीदी जो प्रक्रिया के अनुसार हो रही है या नहीं और धान क्वालिटी का आ रहा है या नहीं। साथ ही ये भी अभी सुनिश्चित कर रहे हैं कि किसी भी शर्त में बिचौली या अन्य का धान उपार्जन केंद्र में नहीं आना चाहिए, इसलिए हम लोग सघन निरीक्षण कर रहे हैं। जिला की अलग अलग टीम बनी हुई है, हर सोसाइटी के लिए भी टीम बना हुआ है, वो भी इंस्पेक्शन कर गया। अभी तो ठीक लग रहा है, लेकिन अभी ये जो धान आया है वो टोकन कटा है, लेकिन सेम डेट उसका तोल होना चाहिए, तो उसको फिर वापस रखा हुआ है। ये लेट के लाने के कारण और बदरा होने के कारण इसको रिजेक्ट किया गया। किसके द्वारा रिजेक्ट किया गया? समिति प्रबंधक, मेरे द्वारा किया गया सर। अच्छा, ये सर अभी धान देख रहे थे कलेक्टर साहब, तो ये बताए इसमें मिक्स धान है, इस विषय पे क्या कहेंगे? जी सर, वही बदरा है, इसलिए इसको रिजेक्ट किया गया है सर। कितना क्विंटल धान है ये सर? अभी तौलाया नहीं है, 73 बोरी का है। कोरियाले डिजिटल रिपोर्टर संजय गुप्ता के रिपोर्ट।